नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं अखिलेश सिंह और आप देख रहे हैं फिल्मोरा न्यूज। फिल्मोरा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मुंबई में सबसे बड़े अवार्ड राष्ट्रीय रत्न अवार्ड 2019 समारोह का शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया, जहां इस अवसर पर अभिजीत राणे राष्ट्रीय अध्यक्ष धड़क कामगार संगठन, स्पिरिचुअल गुरु साई गुरुमा, हेलीकॉप्टर व्यवसायी के रविदादा, अभिनेता अली खान, म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप सेन, आयोजक अखिलेश सिंह व तमाम अवार्डी मौजूद रहे। गौरतलब हो कि राष्ट्रीय रत्न अवार्ड 2019 का सपना था कि लोग देश हित और समाज हित के लिए कार्य कर रहे उनको एक मंच पर बुलाकर सम्मानित करना। हमने ऐसे लोगों को सम्मानित किया जो बेटी बचाओ, पानी बचाओ, बचपन बचाओ, माता पिता बचाओ, पर्यावरण बचाओ के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को मुंबई बुलाकर सम्मानित किया। सम्मान पाने वाले में से श्वेता कुमारी जो बोध गया बिहार से आई थी, अर्जुन धाकुमाचीवले रत्नागिरी, योगाचार्य संध्या रायकर गुजरात, पूजा सरनदास माथुर बड़ोड़ा, अखिलेश कुमार गौतम दिल्ली, लावण्या गायकवाड़ धुलिया, भूषण सुभाष शिंदे कसारा नासिक, रणदीप सरकार कोलकाता, डॉक्टर सुरेना राणे मल्होत्रा, अशोक पांचाल एंड यामिनी पांचाल मुंबई, विशाल भगत एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रोफेसर दिनेश के गुप्ता जी को राष्ट्रीय रत्न अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। और इन सभी का क्या कुछ कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। तो कहना नहीं चाहिए इसे, ये बहुत बड़ी कामयाबी है देश के लिए। मैम सेंटर दीजिए। राष्ट्रीय रत्न अवार्ड जो बच्चे ने शुरू करा है, मेरी ऐसी शुभकामनाएं है कि वो हमेशा ऊंचाइयों की तरफ जाए इसे लेके, और जितने भी इस अवार्ड के हकदार हैं उन्हें। शुभेच्छा देता हूँ फिल्मोरा न्यूज़ को, बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ कि इतने कम समय में इतना भव्य कार्यक्रम, इतने लोग सेलिब्रिटी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। नो डाउट अगले जी से भी और किसी को कहा कि ताज मनाएंगे, निश्चित ही आप मनाएंगे, अच्छे भी बहुत मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पोते के। एक मिनट सर, या रोल क्या रोल रोल क्या कुछ कहना चाहेंगे बोलिए सर। यार अपने पुरस्कार अखिलेश सरांनी माझी निवड केली, पूर्ण भारतावरून काही कलाकार आमच्यासारखे, मी कला शिक्षक आहे आणि आर्टिस्ट म्हणून आहे, माझा आता जहांगीरमध्ये शो झाला, सरांनी मला गेली 2 वर्ष सर ओळखतात आणि त्यांनी माझी निवड केली या ठिकाणी राष्ट्रीय रत्न पुरस्कारासाठी, तर मी माझ्या वतीने सरांचा आभार मानतो सर, धन्यवाद। आणि तुमच्यामुळे आमचा सारखा कलाकार म्हणून जिवंत राहतो याचा मला भाग्य मिळतंय, धन्यवाद सर। आणि ह्यापुढे सुद्धा मला ह्या सर्व परिवाराकडून माझी शुभेच्छा, आणि तुम्ही अशी प्रगती करो आणि आम्हाला सुद्धा असा वरती रोज आमची हो इच्छा। थँक्यू, थँक्यू व्हेरी मच। आभार प्रकट करता हूँ और इनको बेस्ट योगा टीचर के लिए आज अवार्ड दिया गया, मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करना चाहूँगा। अब आगे संध्या जी हैं, थैंक यू। हिंदुस्तान का सबसे टॉल यंगस्ट लड़के में से है, जिन्होंने
कार्यक्रम में हमारे पार्टिसिपेट किया और उसने जीता, ये अवार्ड जीता, ये बड़ी बड़ी बात है। मैं खुश हूँ काफी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राधे माँ चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सम्मानित हो रही है अश्विनी पाटिल जी, जिन्हें अभी जाना है ट्रेन पकड़ने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आप पीछे पढ़ रहे हैं और बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश कुमार जी एक एवी देखे तब तक हम लोग योगा आप बताइए ना सर तब तक। अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, समाज में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं, एक जबरदस्त है। मैं अब आमंत्रित करूंगा मंच पर अभिषेक जी शर्मा, इंडिया टीवी इंडिया न्यूज के ब्यूरो हेड मुंबई, अभिषेक जी शर्मा उनको सम्मानित करेंगे। रामा मेहरा जी अंदर में फूलों का बसेरा और आपके बीच है रामा मेहरा। क्या बात है, क्या बात है। फ्यूचर फिल्म है, इतने कम एज में फ्यूचर फिल्म बहुत धमाल मचाई है वो फिल्म, अगर गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये दिखने में थोड़े छोटे हैं जरूर, लेकिन घाव बड़ी गंभीर करते हैं। सम्मानित जो करता है वो खुद सम्मानित होता है, जो सम्मानित कर रहा है वो खुद सम्मानित हो रहा है यहाँ पर, और सम्मान भी हमारा सम्मानित हो रहा है। और इसी आशा के साथ कि अगला जो सेशन रहेगा इससे जबरदस्त रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल जी।
कहां कहां से चुन कर लाए गए अखिलेश जी ने राष्ट्रीय रत्न, ये अलग अलग जगह से उन्होंने चुन कर लाए गए ये सभी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी आपका कि ऐसे रत्नों को आपने चुना है पूरे भारत से। नवीन जी देखिए यहाँ पर सर 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 मुझे लग रहा है कि अभी जितने भी अवार्डी थे जो मेरे पास लिस्ट थी सभी को अवार्ड मिला मुबारक हो, जिनको नहीं मिला उनको कल हॉस्पिटल का एक वार्ड मिलेगा। क्या मतलब एक वार्ड में जाओ अच्छा सीख के आओ अगली बार अवार्ड पाओ। थैंक यू, कुछ कहना चाहिए तो शब्द ये पहली महिला जो कुछ कहना नहीं चाहते। मेरा नाम रेशमा सोलंकी है और मैं बहुत खुशी कि मुझे राष्ट्रीय अवार्ड मिला और मुझे कुछ मैसेज देना था। लाइक आई हैव टू कंपनीज, मेरे दो कंपनीज है। माय फर्स्ट कंपनी इज रिजोनी सॉफ्टवेयर कंपनी लोकेटेड माय मेन कंपनी एंड डिवर इज आईटी इंडस्ट्री ट्रेनिंग। सो मैंने बहुत कम टाइम में वो कंपनी स्टार्ट किया। अवार्ड ये अवार्ड रत्न अवार्ड जो हुआ है राष्ट्रीय रत्न अवार्ड जो हुआ है इसमें मुझे बुलाया गया था और मेरे हाथों से कुछ लोगों को अवार्ड दिया तो मैं समझता हूँ कि ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, मेरे लिए प्राउड की बात है और मुझे लगता है कि मुझे खुद अवार्ड मिल रहा है ऐसा मुझे कई बार फील हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इस राष्ट्रीय रत्न अवार्ड को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, आप अच्छा ही काम, अच्छा अवार्ड देना किसी के काम को अप्रिशिएट करना बहुत अच्छी बात है, उससे सामने वाले को खुशी मिलती है, उसकी हिम्मत बढ़ती है और वो काम और जोश के साथ और अच्छे से करता है और देश का और काम का नाम खूब रोशन करता है। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं अखिलेश जी, अच्छा काम करते हैं और उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप ऐसा काम करते हैं कुछ भी करते हैं तो हम सब आपके साथ हैं और मीडिया तो उनके साथ ही क्योंकि मीडिया के बहुत लाडले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। अच्छा, ऑल द बेस्ट। सुनील जी आए हैं तो कुछ तो चुटकुला बनता है। मोदी जी गए हैं अमेरिका, जहाँ उनके बारे में हम बस दो लाइफ मोदी जी अमेरिका गए हैं इस बात के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो तो जहाँ भी जाते हैं उनके रंग में रंग जाए, उनके लोग रंग में रंग जाते हैं। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद उनको बहुत पसंद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा है देश के काम के लिए अगर वो यात्रा कर रहे हैं तो हमारे शुभकामनाएं उनके लिए। हैप्पी जर्नी, ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा और देश के प्रति जुड़े हुए मुद्दों को वहाँ पर उजागर कीजिएगा ताकि हम लोग हमारे देश को और आगे ले जा सकें। सर आज का इवेंट क्या रहा, रोहित सिंह और संतोष जी ने आयोजन किया, रोहित जी बहुत सारी रोहित जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सारे चीज़ों को मिलाकर एक गुलदस्ता बना है तो अच्छी बात। ऑल द बेस्ट। सर ये आपके दोस्त रोहित जी, इनके बारे में कुछ कहना? बहुत खुश हूँ और खास करके अगर मैं बताना चाहूँ कि ये राष्ट्रीय रत्न अवार्ड इस प्रकार का अवार्ड है, एक अलग तरीके का अवार्ड जिसको मैं कहना चाहूँगी उस आनंद में ये कह सकता हूँ कि देश के मतलब पूरा एक भारत राष्ट्रीय रत्न अवार्ड है। मैंने पूरे देश के बड़े बड़े से लोगों को बुला के यहाँ पे इकट्ठा करके उनको सम्मानित किया है। हमारे पास से राष्ट्रीय रत्न अवार्ड के अवार्डी हैं गया, बोध गया, बिहार से, बेंगलोर से, दिल्ली से और मुंबई के तमाम इलाकों से अवार्डीज हैं सभी लोगों को। मैंने इसलिए अवार्ड दिया क्योंकि वो लोग बचपन बचाओ के लिए काम कर रहे हैं, बेटी बचाओ के लिए काम कर रहे हैं, पानी बचाओ के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को देश के लोगों को बुला के इन्हें सम्मानित किया। ऐसे में जुबेर के खान जी भाई हमारे साथ हैं, हमारे इसमें आए, मैं बहुत धन्यवाद करूँ जी का। थैंक यू सो मच। मैं अपने जी को पहले से दोस्ती नहीं होते बड़े प्रिय से दोस्ती है, मेरी फैमिली में मीडिया मैं यही कोशिश करता हूँ कि जिस जिस जहाँ पर मीडिया से मिले मैं चाहता हूँ वहाँ जाऊँ और मोटिवेट करूँ। इतने मेहनत से हर इंसान अच्छा क्षेत्र में काम कर छोटा सा हो इतना मोटिवेट करूँ तो आगे और ज़्यादा काम कर सके, अपने आप को कर सके। मेरी आनंद और बहुत खुशी हुई कि ऐसा अवार्ड होता है, अवार्ड होता रहे ऐसा अखिलेश जी ऐसा कार्यक्रम करते रहे, सब लोग आए और
इम्पोर्टेंट फील कर रहा हूँ. सो आई एम वेरी ऑनर्ड एंड दिस एंड आई एम पार्ट ऑफ दिस. बेटे का नहीं था मेरा कैंसर देखते सर. उसका जन्मदिन था तो सामने हमने सेलिब्रेट किया. बहुत लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला. इसके लिए मैं बहुत सभी अपने अतिथियों का धन्यवाद करता हूँ. हृदय से कि सभी ने बहुत प्यार दिया और उसका ये चमत्कार है, उसी का चमत्कार है कि लोग इतना इकट्ठा हुए. मैं उसी को इसका ये शुक्रिया देना चाहूँगा मेरे कैंसर का. बहुत पेन हुए और अभी भी पेन हो रहा है. टाइम बहुत इसका मेरे तकरीबन एक महीना से इसकी तैयारी चल रही थी. हालांकि पिछले एक साल से चल रहा था लेकिन और भी एक महीने से इसकी तैयारी चल रही थी और एक महीना पूरा लगा जो आज है. आप नहीं कोई नहीं, मैं किसी से कोई देख रहा हूँ स्पॉन्सर्ड नहीं है. अखिलेश जी अगला चमत्कार कब करेंगे? बस अगले साल फिर और इससे बड़ा चमत्कार करेंगे सब अपने भाइयों के साथ. ताज लैंड में करेंगे अगला सबसे पहली बात तहे दिल से मैं यहाँ जितने भी प्रेजेंट हमारे मीडिया बंधु हैं, जितने भी लोग अवार्डी हैं, कुछ पहली का मान मिला जिनको नहीं मिला मेरा जो प्रेजेंट के दोस्त थे उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. इस अवार्ड के बारे में जब मुझे अखिलेश ने बताया तो स्पेशली अखिलेश को मैंने मोबाइल के पास समय देने के बजाय मेरे पास बुला लिया और हम लोग चार घंटे इकट्ठा बैठने के बाद में पाँचवा घंटा एक घंटा हम लोग बात भी सका. मैंने उस बात के अंदर सबसे पहला उसका इस्तेमाल किया कि अखिलेश तुमने जो कदम उठाया है वो कदम इतना सराहनीय है कि अच्छे अच्छों की हिम्मत नहीं होती आज की तारीख में इस तरीके का बढ़ाया हुआ. क्योंकि जैसे कि नोटबंदी का माध्यम तो सबको पता है वो अलग बात है, फिर भी इन सब चीज़ों को सक्सेसफुल करने की बड़ी हिम्मत होनी चाहिए और हिम्मत इन्होंने जताई तो सबसे पहले मैंने उनको बधाई. अगर तुम सभी जानते हो कि अखिलेश मेरे परिवार का ही बनता है और आज मैं जब टिकट ले आया मुझे फिर कभी कभी क्या होता है कि देखो चुनाव के माहौल है, नेता लोग आते हैं नहीं आते, कुछ एक्टर्स को शूटिंग में पीछे होते नहीं आते, लेकिन सब अपने दोस्त हैं इसलिए नहीं आए. तो जो आए थे वो भी अपने थे, जो नए हैं वो भी अपने और सभी ने इन चीज़ों को सराहा. ये जो रत्ननाम का वर्ड जो उन्होंने इस्तेमाल किया अखिलेश ने, ये हमारे देश का रत्न आज है जो मुंबई से शुरू हुआ है. आने वाले दिनों में ये मॉरिशस मलेशिया तक जाएगा. ऐसे हम लोग कोशिश करेंगे और इस चीज़ को आगे बढ़ाने का सपोर्ट करेंगे. Advertiser for innovative outdoor solutions.